नमस्कार दोस्तों, मैं पवन अपने चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर आपको टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की सरल शब्दों में जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके लिए कृपया आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि SBI बैंक में किस प्रकार से चेक भरा जाता है और उसको जमा कैसे कराया जाता है। आपको किसी ने चेक दिया, अब आपको जमा कराना है, तो कैसे जमा कराते हैं चेक को देखते हैं पूरी प्रक्रिया। यह है भारतीय स्टेट बैंक का सैंपल चेक है, ओनली फॉर एजुकेशनल यूज। यह चेक मुझे किसी ने दिया है। अब मैं बताता हूँ इस चेक की इन्फॉर्मेशन क्या है, फिर हम इसकी और डिटेल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले, अगर आपको किसी को चेक लिखना हो तो उसमें केवल पांच बातें लिखी जाती हैं। कौन सी पांच बातें? ये रेड अक्षर में आपको जितनी भी पांच बातें दिख रही है ना, लाल अक्षरों में ये लिखी जाती हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर ही ऊपर दाई तरफ आप डेट लिखेंगे, जैसे मैंने लिखी 08062020, अर्थात 8 जून 2020। फिर मैं पे के नीचे वाले कॉलम में आइए, पे पे के आगे क्या लिखा हुआ है? टेकी पवन एकेडमी। उस व्यक्ति ने मेरे नाम पे चेक काटा है टेकी पवन एकेडमी के। जिस व्यक्ति को पैसा देना होता है उसका नाम यहाँ आता है। फिर है ₹50,000 only। मैंने यहाँ ओनली शब्द क्यों लगाया? ताकि कोई भी व्यक्ति आपके इन अक्षरों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सके और इसमें और कोई शब्द न जोड़ सके, इसलिए हम ओनली शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर गणित में मैंने लिखा 50,000 और डैश डैश लगाया आगे। वो क्यों लगाया? ताकि कोई और एक और जीरो उसमें ऐड ना कर ले, इसलिए हम ये सुरक्षा की दृष्टि से डैश डैश लगा देते हैं। कुछ लोग स्लैश भी लगाते हैं, लेकिन स्लैश लगाने से वो एक के एक लगता है, तो इसलिए मैं स्लैश का यूज करने की सलाह नहीं देता हूँ, डैश का यूज कीजिए। फिर नीचे दाई तरफ साइन आ जाते हैं आपको। बस ये पांच एंट्रियां भरिए और आप चेक भर देंगे। ये हो गया पहले तो चेक का, और अब चेक की इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं लगे हाथ। आप ऊपर ही ऊपर देखिए IFSC कोड दिया हुआ है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ब्लू लेटर्स में आप देख रहे हैं। ये क्या होता है? IFSC कोड किसी भी बैंक की ब्रांच के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है, IFSC कोड। अब इधर आइए लेफ्ट साइड में, नीचे 11 डिजिट अकाउंट नंबर, देखिए अकाउंट नंबर 11 डिजिट। ये 11 नंबर के भी हो सकते हैं, 16 नंबर के भी हो सकते हैं, अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकते हैं। फिर सबसे नीचे आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप देखेंगे चेक नंबर 6 डिजिट्स। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी बैंक के किसी भी चेक के नीचे की साइड में, बाई तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो 6 अक्षर होते हैं, पहले 6 अक्षर, वो हमेशा चेक नंबर कहलाते हैं। समझ में आई? किसी भी बैंक के किसी भी चेक के नीचे नीचे जो लेफ्ट हैंड साइड में 6 अक्षर होते हैं वो चेक नंबर कहलाते हैं। फिर आता है MICR कोड, जो 9 अंकों का होता है, इसे मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन कोड भी कहते हैं। फिर आती है अकाउंट ID RBI की, और फिर ट्रांजेक्शन कोड आता है। ये एंट्रियां पहले से की हुई होती हैं। फिर इम्पोर्टेंट बात, चेक के पीछे अपने 2 साइन और मोबाइल नंबर जरूर लिखें। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर लिखा होने से ये फायदा है कि अगर चेक में कोई प्रॉब्लम आती है तो बैंक आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है। दूसरी बात, चेक के पीछे 2 साइन होने का फायदा ये होता है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए जिस चेक धारक ने आपको चेक दिया है अगर वो 2 साइन कर देता है और उसके साइन मिसमैच होते हैं आगे वाले थोड़ा सा, तो वो उसे मैच कर सकते हैं। इस तरीके से इसका प्रयोग हो सकता है एक संभावना के रूप में। अब देखते हैं जो चेक मुझे दिया गया है उसे कैसे भरना है। यह जमा पर्ची है SBI बैंक की लेटेस्ट। इसमें 2 भाग हैं। पहले भाग यह जमी जब पर्ची जमाकर्ता के पास रहेगी, और दूसरा भाग यह पर्ची बैंक के पास रहेगी। ये बीच में लाइन है, उसको काट के पर्ची को आधा आधा कर लिया जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट व्यक्ति को मिल जाता है और राइट हैंड साइड वाला पार्ट बैंक अपने पास रख लेता है। दोनों पे सील और साइन जरूर होते हैं। अब देखते हैं कैसे भरते हैं इसको। जितने भी रेड अक्षर है, लाल अक्षर है, वो आपको भरना है इसमें, इस जमा पर्ची में जितने भी लाल अक्षर है वहां वहां आपको भरना है। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड बाई तरफ से स्टार्ट करते हैं, तो ऊपर ही ऊपर देखेंगे आप, तो हमने क्या लिखा है? सबसे पहले शाखा में 55। फिर हमने लिखा खाते में जमा के लिए फॉर द क्रेडिट ऑफ में क्या नाम लिखा? टेकी पवन एकेडमी। क्योंकि मुझे चेक मिला है, मैं अपने नाम में चेक जमा कराना चाहता हूँ, तो मैंने क्या लिखा? अपना नाम, टेकी पवन एकेडमी। फिर मैंने रुपए लिखे हैं 50,000 only, 50,000
रुपए, यहाँ ओनली शब्द जरूर लगा के चले। फिर मैंने चेक का विवरण लिखा है, चेक का नाम लिखा मैंने, किस बैंक का है, एसबीआई बैंक का है, चेक नंबर लिख दिया है मैंने 6 अंकों का, और फिर उसके अमाउंट लिख दिया है 50,000 रुपये, और योग कर दिया है टोटल 50,000। मान लीजिए एक से अधिक चेक मिला होता तो क्या करते, मान लीजिए दो चेक मिला होता तो दोनों की इन्फॉर्मेशन लिख देते, उन दोनों का टोटल करके नीचे लिखना था। फिर सील एंड साइन, यहाँ बैंक कर्मचारी सील लगाएगा बैंक की और साइन करेगा। अब दूसरे भाग में आते हैं, तो दूसरे भाग में ऊपर ऊपर देखिए, शाखा का नाम फिर वही 55, फिर चेक की डिटेल्स है, एसबीआई बैंक, चेक नंबर लिख दिया 9500020, कितने का चेक है 50,000 का, टोटल करके लिख दिया 50,000, नीचे सील और साइन हो जाएंगे बैंक कर्मचारी के। अब और लास्ट में आते हैं, तो ऊपर ही ऊपर देखेंगे रेड अक्षर में आपको, तो डेट लिखी है 8/6/2020, अर्थात 8 जून 2020। फिर मैंने खाता संख्या लिखी है, खाता संख्या हमेशा दाईं तरफ से लिखें, और एंड में बाईं तरफ में जो खाली जगह बच जाती है डब्बों में, उनमें 00 बना दे, ठीक है। फिर है अकाउंट नंबर, अकाउंट का नाम लिख दीजिए, टेकी पाउन एकेडमी जिसके नाम पे अकाउंट है, जैसे मेरे नाम पे अकाउंट है तो मैंने लिख दिया टेकी पाउन एकेडमी। फिर राशि लिख दीजिए 50,000 ओनली। फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए 10 अंकों का, 0 लगा दीजिएगा पहले, जैसे मैंने लिखा 09680634337। फिर अपना पैन नंबर लिख दीजिए 11 अंकों का, पैन नंबर तभी लिखना है जब 50,000 से ज़्यादा की रकम जमा करानी हो, तो भारत सरकार ने पैन नंबर अनिवार्य कर रखे। फिर भी आप लिख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है पैन नंबर लिखना, अगर पैसा जेन्युइन है तो। और एंड में आपके साइन हो जाएंगे जमाकर्ता के हस्ताक्षर, SIGN की जगह। तो इस प्रकार से आप जमा कर पर्ची भर के अपना चेक आराम से जमा करा सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। आप इस पर्ची इस वीडियो को संभाल के रखें, और जब भी कोई चेक भरना हो तो ये स्लिप ले लें, और उसको देख देख के वीडियो को ये लाल एंट्री की जगह कर लें। बड़ा आसान तरीका ये।